आलू का रस्सा वाला शाक। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं जाई और आज हम बनाने वाले हैं आलू का रस्सा वाला शाक। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आलू का रस्सा वाला शाक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मध्यम आकार के आलू उबालकर आधा इंच के टुकड़ों में कटे हुए, 1 कप दही, 1 बड़ा चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी, आधा छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 7 से 8 कड़ी पत्ते, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे ये दही। इसमें हम डालेंगे बेसन, नमक, हल्दी और इसे विस्क करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें हम डालेंगे घी। चलिए, घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे हींग, कड़ी पत्ते, अदरक, हरी मिर्च और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और ये दही का घोल जो हमने बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसे चलाते हुए पकाएंगे। चलिए, मिक्सचर में उबाल आ चुका है। हम इसकी आंच धीमी करते हैं और इसे 5 से 6 मिनट तक पकाते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हम गैस बंद कर देंगे और इसके ऊपर से डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसे मिक्स करके तुरंत सर्व करेंगे। आलू का रस्सा वाला शाक तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए।